अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे। तो आज मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, चना चाट की रेसिपी, जो कि सबको ही बहुत पसंद है, बच्चों बड़ों को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कि मैंने आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह धो लिया है, और अब मैं इन आलूओं को बॉईल कर लूँगी। आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, और ये मैंने 1 चम्मच नमक डाल के चनों को भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। और ये चने हो रहे हैं बॉईल, तब तक मैं दूसरी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। ये मैंने प्याज लिए हैं, इनको बारीक छोटा छोटा सा मैं कट कर लूँगी, क्योंकि बारीक प्याज छोटा छोटा जो कटिंग हुआ होता है वो खाने में ज़रा आसानी होती है, और बड़ा बड़ा प्याज तो फिर खाना भी मुश्किल होता है। तो इसी तरह फिर काट लेते हैं। चना चाट रमज़ान में वैसे बहुत ही मज़े की लगती है, क्योंकि फ्राई चीज़ें खाने के बाद दिल करता है कुछ ठंडा ठंडा और खट्टा मीठा हो, तो ये रेसिपी बेस्ट है। तो अब मैं हरी मिर्चों को अच्छी तरह धो ली है, और इनको अब कटिंग कर लूँगी बारीक बारीक। और ये टमाटर लिए हैं मैंने, इनको भी धो लिया था, और अब इनको छोटा छोटा बारीक बारीक काट लूँगी। टमाटर और ग्रीन मिर्चों का कितना कलरफुल। और ये अब मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया था, इनको भी मैंने काट लिया है, चने इनको भी बॉईल कर लिया। और ये इमली का, मैंने इमली की चटनी बनाई है, जिसकी रेसिपी मैंने दी हुई है, ये आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो इसमें मैंने तकरीबन चीनी हर चीज़ मिक्स की हुई थी, इसलिए मैं कोई और स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ हरी मिर्चें ही डालूँगी। इसमें मैंने चाट मसाला, चीनी वगैरह डाल के अपने टेस्ट के मुताबिक बनाई है। तो ये प्याज भी मैं काट लिया है जो बारीक बारीक, इसको सबको मैं मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। इसमें मैंने नॉर्मली स्पाइसेस ऐड की हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर खाए भी नहीं जाते, और रमज़ान में तो ख़ासकर अफ्तारी के बाद बिल्कुल लाइट लाइट चीज़ें ही पसंद हैं सबको, ज़्यादा मिर्च मसाले तो फिर अच्छे भी नहीं लगते। ये इसी तरह मैंने मिक्स कर लिया, और अब इसके ऊपर प्याज की लास्ट लेयर लगाऊंगी, और उसके बाद ये इमली की चटनी डालूंगी। देखें कितनी कलरफुल चाट बनी है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे आप फेसबुक पे भी मेरा पेज है फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी, और ये मुझे आप स्नैपचैट पे भी फॉलो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करें, और मेरी वीडियोस को फुल देखा करें। देखें कितनी कलरफुल है और कितनी मज़े की लग रही है। अब जिस चीज़ ने खानी है वो आ जाए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।